नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। नशा तस्करी मामले में विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के मामले पर राहुल गांधी ने केजरीवाल को घेरा है। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह और बीजेपी को लेकर भी राहुल गांधी ने हमला बोला। वहीं कुमार विश्वास द्वारा केजरीवाल पर दिए गए बयान पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला है। चुनाव है, सब पार्टियां अलग अलग वायदे कर रही हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए, कहते हैं अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो हम ड्रग्स से लड़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। पहली बात, बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली। दूसरी बात, ये ड्रग्स की बात आप आज क्यों कर रहे हो? ये जब मैंने 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था तो आप कहां थे? आपके पार्टी के नेता कहां थे? अकाली दल के नेता कहां थे? 2013 में मैंने ड्रग्स की बात कही, कहा कि सबसे बड़ा खतरा पंजाब के सामने ड्रग्स है, पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। अकाली दल के नेताओं ने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहा है, बीजेपी के नेताओं ने कहा राहुल गांधी गलत बोल रहा है, लोगों को डरा रहा है। और आज आकर कहते हैं ड्रग्स के खिलाफ हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल जी, भाइयों और बहनों, राहुल गांधी ने मजीठिया से माफी मांगी क्या? मैंने कि हाथ जोड़े उसके सामने, मैंने तो नहीं किया, चन्नी जी ने नहीं किया, सिद्धू जी ने नहीं किया, केजरीवाल जी ने हाथ जोड़कर मजीठिया से माफी मांगी। एक तरफ कहते हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कार्रवाई किसने की? कार्रवाई कांग्रेस ने की। अब ये लोग आते हैं कहते हैं ड्रग्स के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।